नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 15 अगस्त के दिन कोरोना नियमों को लेकर जम्मू कश्मीर को थोड़ी राहत दी गई है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर लागू पाबंदियों में कुछ ढील की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह की सभा में शामिल होने के लिए 25 लोगों की संख्या पहले निर्धारित की गई थी, लेकिन अब खबर है कि 15 अगस्त को इसमें थोड़ी ढील दी जाएगी। राज्य सरकार ने रविवार को कहा है कि किसी भी इंडोर आउटडोर सभा में शामिल होने के लिए अधिकतम 25 लोग ही सीमित हैं। इस सीमा में अस्थायी रूप से 15 अगस्त के लिए स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ढील दी जाएगी। इस दौरान कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर में शनिवार को कोरोना के 142 मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 322,428 हो गई, जबकि इस दौरान संक्रमण से किसी मरीज की जान नहीं गई और मृतकों की तादाद 4,386 पर बनी रही। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक संक्रमण के नए मामलों में जम्मू क्षेत्र से 59 नए मामले सामने आए, जबकि कश्मीर क्षेत्र से संक्रमण के 83 नए मामले सामने आए हैं। श्रीनगर में सर्वाधिक 36 नए मरीज मिले, जबकि डोडा जिले में 16 नए मामले सामने आए। केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1410 हो गई, जबकि अब तक 316,632 लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस के 37 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।